कि मैं इस वक्त एक और बड़ी खबर ला रहा हूं अनिल, और खबर यह है कि भारत को झटका देने के लिए ड्रैगन की नई साजिश। सीपेक का नाम अब हिमालयन कॉरिडोर होगा। बड़ी खबर, सीपेक से नेपाल को भी जोड़ने का प्लान, तिब्बत के रास्ते नेपाल को जोड़ने का प्लान। ये बहुत चिंता का विषय है। भारत के खिलाफ नेपाल को भी खड़ा करेगा चीन। मनीष झा मेरे सहयोगी मेरे साथ है। मनीष, पूरी खबर समझाएं क्विकली। जी हाँ निशान, देखिए सबसे पहले मैं दोनों खबरों को एक साथ जोड़ते हुए बताऊं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान जा रहे हैं और उनके लिए डेट अभी डिसाइड हो रही है, अगले एक दो हफ्ते में हो सकती है। दरअसल ये दौरा जून में होना था और एक जो एनुअल समिट के नाते चीन के राष्ट्रपति को पाकिस्तान पहुंचना था, वहाँ एक सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होनी थी और जो तय हुआ है कि एक बार पाकिस्तान के नेता चीन जाएंगे और दूसरे साल चीन के नेता पाकिस्तान आएंगे, उसी के क्रम में यह बैठक होनी थी। दिक्कत यहां से हो रही है कि अब प्लान यह हो रहा है कि जिस समय चीन के राष्ट्रपति पाकिस्तान जाएंगे उसी समय नेपाल के भी प्रधानमंत्री को पाकिस्तान बुलाया जाए। यह एक प्लान पे काम हो रहा है और उसी में इस कड़ी में जोड़ते हुए चीन ने, मनीष आप जो बता रहे हैं, मनीष एक मिनट हैंग ऑन, मनीष नाम बदलकर आप मुझे बता रहे हैं जो मुल्क अपनी सरकार बचाने के लिए हर दिन चीन के वेंटिलेटर का सहारा ले रहा है, भले ही कोरोना के लिए भारत से वेंटिलेटर मंगा रहा है, वो मुल्क इस टाइम पर पाकिस्तान में चीन के साथ मुलाकात कर रहा है। हम नेपाल की बात कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल सही बात है और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दो बड़ी घटनाएं हैं जिसको आप याद करिए। 27 जुलाई को चीन के विदेश मंत्री नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ एक बैठक करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को फोन करते हैं। इन सब को देखकर ये जो खबरें सामने आ रही है, जो जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक चीन और पाकिस्तान मिलकर नेपाल को यह प्रलोभन दे रहा है कि आप भी सीपेक में शामिल होइए, हम आपको लद्दाख के जरिए सीपेक को बढ़ाकर नेपाल तक जोड़ देंगे। यहाँ पर एक बात और मैं कह दूं कि दरअसल नेपाल को इस तरह के हवा हवाई सपने, ये बहुत बड़ी खबर है मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। और मैं अपने दर्शकों को आपसे कुछ ही क्षणों बाद, अभी नहीं कुछ ही क्षणों बाद, मैं आपको दोनों तस्वीरें दिखाऊंगा कैसे एक तरफ भारत के एयर चीफ ने उड़ान भरी और पाकिस्तान के एयर चीफ ने भी उड़ान भरी। अब से कुछ ही देर के बाद, अब से ठीक 3-4 मिनट के अंदर मैं खबर दिखा रहा हूं 4:20 पर, आप बने रहिए क्योंकि वो भी वहां पर मिरर इमेजिंग चल रही है। मैं सीधे चलूंगा, कस्वर मेरे साथ है। कस्वर, पाकिस्तान में सबका जमावड़ा, ये मामला क्या है? कस्वर वेरी क्विकली समझाए मुझे। कस्वर क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद कस्वर तक आवाज नहीं पहुंची। मैं यहां पर आपको सीधे लेके चलूंगा। सबसे पहले मैं आपको बिग बॉल पर ग्राफिक्स दिखाना चाहूंगा। ये सीधे चलते हैं बिग बॉल पर।